नमस्ते बच्चों, आज हम हिंदी की कक्षा में सीखेंगे एक नया व्यंजन, कौन सा? ट ट ट ट। ठीक है, अब हम सबसे पहले देखेंगे इसे लिखना कैसे है। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक स्लीपिंग लाइन बनाना है, फिर एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन बनाना है और फिर छोटी सी बना देना है। ये बन गया हमारा ट। एक मिनट मैम, वो मैंने यहाँ छोटी स्टैंडिंग लाइन, फिर सी बनाना है और फिर हमें ऊपर से ज्वाइन करते हुए एक स्लीपिंग लाइन बनाना है। ये बन गया हमारा ट। अब हम इसे देखेंगे लिखना कैसे है। सबसे पहले आपको मैंने जैसे कहा है, आपको एक स्लीपिंग लाइन, देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया ना ये कितनी लाइन है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो हमें दूसरी वाली लाइन से इसे छोटी सी लाइन बनानी है, स्टैंडिंग लाइन। ठीक है, छोटी सी, आपको ज्यादा बड़ी नहीं बनानी है। उसके बाद में हमें क्या बनाना है, सी बनाना है प्रॉपर और इसे जॉइंट यहाँ कर देना है। ये बन गया। और उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर हमें स्लीपिंग लाइन बना के इसे जॉइंट करना है। यह बन गया है मेरा एक व्यंजन, ट ट ट ट ट ट ट टमाटर। सबसे पहले आपको क्या करना है, ट लिखने के लिए एक स्टैंडिंग लाइन बनानी है छोटी, फिर आपको बड़ा सी बनाना है लेकिन लाइन के अकॉर्डिंग। मैंने इसे टच किया है, करना है यहाँ पर। उसके बाद में आपको क्या करना है, एक स्लीपिंग लाइन बनाकर उसे जॉइंट करना है। ये क्या हो गया है, ट ट ट ट ट ट ट टमाटर। अब आपको इसको नोटबुक में लिखकर प्रैक्टिस करना है। से टोकरी, ट से टोकरी, ट ट ट टोकरी, ट से टुकड़ा, ट से टुकड़ा, ट से टमाटर लाल लाल यमी यमी, ट से टमाटर, ट से टीवी, आपको देखना पसंद है ना, ट से टीवी, ट से टेलीफोन, आप बात करते हैं, ट से टेलीफोन, ट से ट्यूबलाइट जिसे हमें रोशनी मिलती है, ट से ट्यूबलाइट, ट से टैक्सी जिसमें बैठकर हम कहीं पर भी जा सकते हैं, ट से टैक्सी, ट से ट्रक, ट से ट्रक, ट से टाई, टाई पहनते हैं ना जब हम कोट पहनते हैं जब, ट से टाई, ट से टब, ट से टब, बाथ टब भी बोलते हैं उसे, ट से टिश्यू, टू टिश्यू लेते हैं ना आप अपना मुंह वाइप करने के लिए, हैंड्स वाइप करने के लिए, ट से टिश्यू, ट से टूटना, ट से टूटना, ट से टोपी, टोपी मीन्स कैप, ट से टोपी। अब क्या आ रहा है, ट से टॉम एंड जेरी, आपको पसंद है ना कार्टून देखना, ट से टॉम एंड जेरी, ट से टार्जन, ट से टार्जन, ये सब किन अक्षरों से शुरू होता है, ट से। अब आपको इसके नोटबुक में लिखकर आपको प्रैक्टिस करनी है।